नमस्कार, ऐसे सुधा में आपका स्वागत है। मैं उषी कुमार तिवारी। नवरात्रा के 9 दिन कल पूर्ण हो चुके हैं, आज दशहरा है, लेकिन नवरात्रा के रंग आज भी सुजानगढ़ में है। सुजानगढ़ के वेंकटेश्वर मंदिर में आज दिव्य कार्यक्रम भगवान वेंकटेश्वर गोदाम्बाजी लक्ष्मी जी के दरबार में हो रहा है। बहुत सारी युवती महिलाएं सुंदर गरबा और डांडिया नृत्य प्रस्तुत कर रही है। मुख्य ट्रस्टी मंजू देवी जी जाजोदिया खासतौर से कार्यक्रम के लिए मुंबई से आई है। आइए वेंकटेश्वर मंदिर से कार्यक्रम का अवलोकन करते हैं। बहुत ही सुंदर दरबार आप देख रहे हैं, भगवान वेंकटेश्वर जी गोदाम्बाजी और महालक्ष्मी जी के साथ यानी पद्मावती जी के साथ विराजमान है। मुंबई से मुख्य ट्रस्टी मंजू देवी जी जाजोदिया इस कार्यक्रम के लिए पधारी हैं और सुंदर कार्यक्रम का आयोजन किया है। और आप देख रहे हैं बहुत सुंदर नृत्य हो रहा है यहाँ पर। बहुत सुंदर कार्यक्रम आप देख रहे हैं। आप देख रहे हैं सुंदर परंपरागत ढंग से यहाँ पर नृत्य हो रहा है, सुंदर वेशभूषा में। सुजानगढ़ के वेंकटेश्वर मंदिर का दृश्य आप देख रहे हैं। देख रहे हैं मंजू देवी जी जाजोदिया भी डांडिया का आनंद ले रही हैं। मंजू देवी जी जाजोदिया को आप देख रहे हैं। बहुत ही सुंदर डांडिया आप देख रहे हैं।
भगवान वेंकटेश्वर के दरबार में यह कार्यक्रम हो रहा है तिरुपति बालाजी मंदिर सुजानगढ़ में। सुजानगढ़ के वेंकटेश्वर मंदिर का दृश्य आप देख रहे हैं। आज भगवान वेंकटेश्वर का जन्मदिवस है, भगवान का जन्मोत्सव है और आज भगवान बगीचे में आए हैं। मंदिर के पीछे जो बगीचा है वहाँ पर भगवान गोदाम्बाजी और पद्मावती जी के साथ आए हैं और भगवान के भक्त आज भगवान का जन्मोत्सव मना रहे हैं, झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, बहुत सुंदर गरबा और डांडिया का नृत्य कर रहे हैं क्योंकि कल ही नवरात्र पूर्ण हुए हैं और आज विजयादशमी के दिन भगवान वेंकटेश्वर का जन्मदिवस मनाया जा रहा है। और भगवान के जन्मदिवस पर मुंबई से मुख्य ट्रस्टी मंजू देवी जी जाजोदिया स्वयं यहाँ पर पधारी हैं और भक्तों के लिए विशेष प्रसाद की व्यवस्था की गई है। फिलहाल आप देख रहे हैं भगवान के सामने भक्त उनके जन्मदिवस पर नृत्य कर रहे हैं, डांडिया और गरबा नृत्य प्रस्तुत कर रहे हैं। आप देख रहे हैं पुजारी जी नाच रहे हैं। भगवान का जन्मदिन मना रहे हैं सभी। महिलाओं के बाद अब आप देख रहे हैं युवा नृत्य कर रहे हैं। आप देख रहे हैं बहुत भीड़ आज मंदिर में नजर आ रही है भगवान का जन्मदिन मनाने के लिए। भगवान वेंकटेश्वर जन्मदिन मनाया जा रहा है वेंकटेश्वर मंदिर में आज। आप देख रहे हैं भगवान के जन्मदिन सभी सज धज कर आए हैं। अभी भीड़ आप देख रहे हैं मंदिर में। हेलो, सभी भगवान के जन्मदिवस पे आए हैं, सभी भगवान का जन्मोत्सव मना रहे हैं और भगवान को भोग लगाया जा रहा है पर्दे में। मुख्य ट्रस्टी मंजू देवी जी आप देख रहे हैं भगवान के जन्मदिवस पे मुंबई से आई हैं। आप देख रहे हैं भगवान को भोग लगाया जा रहा है। Thank you.
आप देख रहे हैं मंजू देवी जी नृत्य कर रही है। सुंदर डांडिया नृत्य आप देख रहे हैं सुजानगढ़ के वेंकटेश्वर मंदिर से। अब आप देखें गरबा हो रहा है। आप देख रहे हैं भगवान की आरती हो रही है।
Thank you.
सुजानगढ़ के वेंकटेश्वर मंदिर का दृश्य आप देख रहे हैं। आज भगवान वेंकटेश्वर का जन्मदिवस है और आज भगवान का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। भक्त उनके सामने झूम रहे हैं, नाच रहे हैं। मुख्य ट्रस्टी मंजू देवी जी जाजोदिया भगवान के जन्मोत्सव पे खास तौर से मुंबई से पधारी हैं।
सुजानगढ़ के वेंकटेश्वर मंदिर का दृश्य आप देख रहे हैं। आज भगवान वेंकटेश्वर का जन्मोत्सव है और आप देख रहे हैं कितना सुंदर यहाँ पर नृत्य हो रहा है। नवरात्रा में सुजानगढ़ में बहुत सारे कार्यक्रम गरबा डांडिया हुए, लेकिन आज भगवान के दरबार में, वेंकटेश्वर के दरबार में आप देख रहे हैं सुंदर सुंदर वेशभूषाएं पहनकर भक्त आए हैं और बहुत खूबसूरत डांडिया गरबा नृत्य का कार्यक्रम यहाँ पर चल रहा है। ट्रस्टी मंजू देवी जी दादोदिया कार्यक्रम के लिए खास तौर से मुंबई से पधारी है और आप देख रहे हैं सभी झूम झूम के नाच रहे हैं। सुजानगढ़ के वेंकटेश्वर मंदिर का दृश्य आप देख रहे हैं। भगवान तिरुपति बालाजी का जन्मोत्सव है और भगवान मंदिर के बाहर बगीचे में पधारे हैं और भक्त उनके सामने झूम झूम के नृत्य कर रहे हैं, गरबा और डांडिया नृत्य कर रहे हैं। मंजू देवी जी आप देख रहे हैं बहुत प्रसन्न नज़र आ रही है। आज बहुत सुंदर कार्यक्रम आपने किया है यहाँ पर भगवान के मंदिर में।
बहुत बहुत धन्यवाद आज जो हमारे यहाँ आए आप लोग, इतना सुंदर नृत्य किए, मुझे उम्मीद नहीं थी कि सुजानगढ़ में भी ऐसा हो सकता है। आज मैं देख के बहुत खुश हूँ और मेरे से ज़्यादा तो भगवान खुश है आज यहाँ। वृंदावन में भगवान आते थे नृत्य करने, वही सोच लो। और अगर सब कोई इतने उत्साह दिखाएंगे तो भगवान करे हम हर साल रखेंगे। और शांति बाई को हम बहुत बहुत धन्यवाद बोलते। सुजानगढ़ के वेंकटेश्वर मंदिर का दृश्य आप देख रहे हैं, जहाँ पर आज भगवान वेंकटेश्वर जी का जन्मोत्सव मनाया गया। स्वयं मंजू देवी जी जाजोदिया स्पेशली मुंबई से आई है कार्यक्रम के लिए। और आप देख रहे हैं लड़कियाँ कितनी सुंदर सज-धज के आई है, क्यों ना आए, आज भगवान का जन्मोत्सव जो मनाया गया है। पहले आप अपना नाम बताया गया है। मेरा नाम कोमल सेन है जी। कोमल, कैसा लगा भगवान के दरबार में? बहुत अच्छा लगा इधर पार्टिसिपेट करके, और बहुत अच्छा लगा। हम चाहते हैं कि हर साल हो ये सब प्रोग्राम। कोमल, पिछले 9 दिन से सुजानगढ़ में डांडिया के कार्यक्रम हो रहे हैं और मैंने इतना सुंदर कार्यक्रम पिछले 9 दिन में देखा, आपको भी लगता है सबसे अच्छा हुआ? सबसे अच्छा हुआ। और जैसे उधर 3 दिन हुआ तो उधर तो है ना कार्ड लेके हमें जाना पड़ता था, लेकिन इधर बिना कार्ड के भी बहुत अच्छा लगा। और उधर कुछ भी नहीं था, इतना बहुत अच्छा है इधर। आप कह रहे हैं कार्ड लेके जाना पड़ा, लेकिन भगवान के दरबार में कार्ड लेके जाना नहीं पड़ता है, भगवान स्वयं कार्ड है। और जहाँ भगवान की कृपा होती है वहाँ पर किसी कार्ड की जरूरत नहीं होती है। छोटे छोटे बच्चे आए, देखिए क्या नाम है आपका? अंजलि। अंजलि, कैसा लगा आपको? अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। आप चाहते हैं कि हर साल कार्यक्रम हो ये? हाँ सर, बिल्कुल। आपका नाम क्या? जानवी। आप जानवी, देख लें कितनी सुंदर सज गई है। जानवी, कैसा लगा आपको कार्यक्रम? बहुत अच्छा लगा। मैं इस टीम की खास तौर से सराहना करना चाहूँगा, बहुत सुंदर नृत्य ये कर रहे थे। सभी ग्रुप अच्छा नाच रहे थे, लेकिन कुछ लड़कियाँ बहुत सुंदर कार्यक्रम दे रही थी। और मैं कहूँगा सब पे भगवान की कृपा बनी रहे। मंजू देव जी जाजादियों का मैं आत्मा से नमन करता हूँ, जिन्होंने इतना सुंदर कार्यक्रम सुजानगढ़ में, 9 दिन नवरात्रा के बाद में लग रहा है कि आज भी नवरात्रा ही है। जैसे देवी के दरबार में गरबा और डांडिया चल रहा था, आज वेंकटेश्वर भगवान के दरबार में इतना सुंदर कार्यक्रम हुआ है। और अब हमारे साथ वेंकटेश्वर मंदिर की मुख्य ट्रस्टी श्रीमती मंजू देवी जी जाजोदिया है। मैं बताना चाहूँगा आप मुंबई से स्पेशली यहाँ पर आई है, और आते ही उन्होंने मुझे फ़ोन किया था कि तिवारी जी आज कार्यक्रम में आपको आना है, क्योंकि आज दशहरा का दिन था, माता जी की मूर्तियों का विसर्जन था। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने मेरा इंतजार किया, इतना लंबा कार्यक्रम चलाया। सबसे पहले मैं आपको नमन करता हूँ, कितना अच्छा लग रहा, इतनी भीड़ आज आई और इतना सुंदर लड़कियों ने नृत्य किया। आज बहुत बहुत अच्छा लग रहा मुझे, और ये सब भगवान की कृपा है और कुछ नहीं है, क्योंकि आज उनका जन्म उत्सव मैं मनाने आई हूँ। पहली दफ़ा मना रही हूँ भगवान विराजमान होने के बाद, और अब मुझे लगता है कि हर साल ही मुझे मनाना पड़ेगा। तो लगता है सबकी आवाज़ आपने सुन ली है, सबकी इच्छा की हर साल, और मैं चाहूँगा कि ये इसी तरह का कार्यक्रम रखा जाए, भक्त नाचे इससे और भी ज़्यादा। इससे सुनने की इससे और ज़्यादा अच्छा होगा। और ये सारी आप देख ले महिलाएं, मैं देख रहा था कि छोटी 5 साल की बच्ची से लेकर 80 साल तक की महिलाएं नाच रही थी। और भगवान के दरबार में किसी को शर्म नहीं आती है, क्योंकि जो भगवान के दरबार में नाचते हैं वो जीवन भर खुशियां मनाते हैं, नाचते ही रहते हैं। और यहाँ पर वेंकटेश्वर भगवान का साक्षात भगवान लक्ष्मी नारायण जी का दरबार है, तो जिस घर में कोई कमी नहीं रहती, जहाँ पर वेंकटेश्वर भगवान की कृपा होती है। और मैं भगवान से ही प्रार्थना करता हूँ कि सब भक्तों पर यूँ कृपा बनाए रखें और ऐसे कार्यक्रम सुजानगढ़ में होते रहें। कह रहे हैं कि पूरे 9 दिन होने चाहिए। इतना आपके पास वक्त नहीं होता है, आप समय निकाल के आइए, लेकिन 9 दिन की कसर 1 दिन में आप सब ने निकाल दी यहाँ पर। देखिए भगवान का जन्मदिन 1 ही दिन होता है, 9 दिन नहीं होता। और मेरे पंडित जी लोग को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, वो रमेश जी को खास, और सब उनकी टीम को, शांति बाई को, कि इन लोग के हुए बिना मैं तो कुछ नहीं कर पाती। बहुत अच्छी बात कही है कि जन्मदिन 1 दिन का ही होता है, चाहे वो भगवान का हो या आप आम इंसान का हो, क्योंकि आपने अपना जन्मदिन 9 दिन कभी नहीं मनाया होगा, जन्मदिवस 1 ही दिन का होता है, लेकिन इन लड़कियों ने 1 दिन में 9 दिन की सारी कसर निकाल दी। इतना सुंदर नृत्य यहाँ पर किया और बहुत सुंदर कार्यक्रम यहाँ पर हुआ। ऐसे सुधागिरा में शिव कुमार तिवारी अपने सहयोगी मनोज पारी के साथ आप सबका धन्यवाद, नमस्कार, जय गोविंदा। वेंकटेश्वर मंदिर का आज का कार्यक्रम हर मायने में सुंदर कार्यक्रम था, जहाँ पर नृत्य बहुत अच्छा हुआ, वहाँ गरबा और डांडिया में ड्रेस कोड देखा जाता है कि आपने वेशभूषा कैसी पहनी है। इन लड़कियों को आप देखिए कितना सुंदर इनका परिधान है। गरबा और डांडिया में परंपरागत
गुजराती वेशभूषा पहनी जाती है और इनका आप देख रहे हैं बहुत सुंदर आभूषण, आप ड्रेस कोड देख सकते हैं, इनके बालों में जो गहने लगे हैं वो देख सकते हैं। और वास्तव में तिरुपति बालाजी वेंकटेश्वर भगवान की कृपा रही, कितना सुंदर कार्यक्रम हुआ। सबसे पहले मैं आप सबका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, इतना सुंदर कार्यक्रम रहा। क्या नाम आपका? डिंपल बागड़ा। आपने इतना सुंदर नृत्य किया, बताइए कि आपने ये कहाँ प्रैक्टिस की थी, कैसा लगा आपको कार्यक्रम? जी बहुत अच्छा लगा, ऐसा हमारे तो हमने तो कहीं नहीं किया, बाकी होते होंगे, बाकी हमने तो बहुत यहीं पे एंजॉय किया है सबसे ज्यादा। ये ड्रेस आपने स्पेशली कार्यक्रम के लिए बनवाई? हाँ बिल्कुल, इसी के लिए। आपका क्या नाम है? निशा शर्मा। निशा, कैसा लगा कार्यक्रम आपको? बहुत बहुत अच्छा, पहली बार किया, बहुत ज्यादा अच्छा लगा। मतलब आप ही चाहती हैं हर साल कार्यक्रम होना चाहिए? हर साल, हर रोज होना। बिल्कुल, ये कह रही रोज होना चाहिए क्योंकि ऐसा कार्यक्रम को छोड़ना चाहते हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल हर नौ दिन नवरात्रा में होने चाहिए। और हमने मंजू देवी जी से कहा भी है, लेकिन उन्होंने कहा कि जन्मदिन तो एक दिन होता है। और बहुत बढ़िया कार्यक्रम हुआ और उम्मीद है कि अब जैसा अब वो कह रहे हैं कि हर साल ऐसा कार्यक्रम करेंगे, क्योंकि हम जन्मदिन पे नाचते हैं, झूमते हैं, गाते हैं, और अगर ऐसा उत्सव भगवान के दरबार में हो, वेंकटेश्वर भगवान के दरबार में, तो क्या कहना चाहिए। इन लड़कियों ने काली माता मंदिर में भी बहुत अच्छा कार्यक्रम दिया था और उसके बाद में सीधा उनको तिरुपति बालाजी मंदिर में भगवान ने बुलाया और इन्होंने सुंदर कार्यक्रम यहाँ पर प्रस्तुत किया। ये टीम आप देख रहे हैं मंजू देवी जी जाजोदिया की टीम है। आप जब आती हैं तो इनकी ये सहेलियाँ हमेशा उनके साथ रहती है, उनकी सेवा भी करती हैं और बहुत अच्छा कार्यक्रम आज यहाँ पर सबने देखा है। भगवान की शयन आरती हो रही है। सभी ने बहुत आनंद लिया भगवान के जन्मोत्सव का। 11 करोड़ है, लाख मोदी के आगे करोड़। अब भगवान पालकी में बैठकर मंदिर में प्रस्थान कर रहे हैं। भगवान का जन्मोत्सव बगीचे में मनाया गया, भगवान बगीचे में पधारे और अब पालकी में बैठकर भगवान पुनः मंदिर में प्रस्थान कर रहे हैं। भगवान की जय। वेंकटेश्वर का जन्मदिन मनाया गया है और भगवान अपने मंदिर में प्रस्तुत बता रहे हैं। मंदिर में पधारने पर पुनः भगवान की आरती हो रही है। वेंकटेश्वर मंदिर में स्थित साईनाथ मंदिर